कैसे हो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। आपने ये देखा होगा कि कई लोग ज़िंदगी में ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं कर पाते, लोगों की किंतु परंतु को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो सारी ज़िंदगी परेशान ही रहते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम अपने मन को परिवर्तित करके बहुत बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्शन, बहुत बड़े से बड़े लोगों के किंतु परंतु हम सहन कर सकते हैं, उनको हम हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम है हनी। ये बच्चा अपने दोस्तों मित्रों की बातों से कई बार बहुत परेशान हो जाता है। आज भी वो जैसे ही घर में अंदर दाखिल होता है तो उसके पिताजी उसका उतरा हुआ मुख देखकर समझ जाते हैं कि लगता है आज भी इसके दोस्तों ने इसे बहुत परेशान किया है। इससे पहले कि वो कुछ बोले, पिताजी उसे पानी पीने के लिए देते हैं, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको बैठा देते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहता है, होना क्या है, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन हर बार वो मुझे परेशान कर देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। 2-3 दिन बाद अमावस की रात आती है, पिताजी उसको लेकर चल पड़ते हैं बाहर घूमने के लिए, वो भी शाम के वक्त। घूमते घूमते अंधेरा हो जाता है और वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर दिया जग रहा है। दोस्तों वहाँ पर पिताजी हनी को कहते हैं कि बेटा देखो ये दिया जल रहा है, इसके इर्द गिर्द देखो कितना अंधेरा है, लेकिन क्या ये दिया बुझने का नाम ले रहा है? इस अंधेरे को देखकर क्या ये दिया डर के मारे अपने आप को जलने से मना कर रहा है? हनी कहता है कि बिल्कुल नहीं, कि अंधेरा तो बहुत है पिताजी यहाँ पर, लेकिन दिया निरंतर जग रहा है, उसकी रोशनी बहुत छोटी सी है, लेकिन इतना बड़ा जो अंधेरा है ये भी मिलकर इसको कुछ नहीं कर पा रहा है। तो पिताजी उसे कहते हैं, बेटा इस दिए की तरह तुम्हें होना होगा, ये जो दिए की रोशनी है ये और कुछ नहीं, ये है जीवन का ज्ञान। जैसे जैसे तुम महानुभाव लोगों के साथ बैठोगे, जैसे जैसे तुम अच्छी किताबें पढ़ोगे, तुम ज्ञान हासिल करते रहोगे, इस ज्ञान की रोशनी से तुम्हें कभी भी कोई वंचित नहीं कर सकता और इस ज्ञान के प्रकाश में तुम जो भी काम करोगे, तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम निपुण हो जाओगे और इसी ज्ञान की रोशनी से तुम्हारा दिमाग इतना रोशन हो जाएगा कि तुम हर तरह की जो ऑब्जेक्शंस हैं, हर तरह की जो किंतु परंतु है उनको तुम हैंडल कर पाओगे। और यही बस नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस तेल को देखो, जब तक ये तेल है तब तक ये दिया जगता है, तो बेटा इसमें कोई दो राय तो नहीं है। हनी कहता है कि नहीं पिताजी, ये तो मुझे पता है कि जितना तेल रहेगा उतना दिया जलेगा। तो बेटा ये तेल और कुछ नहीं है, ये तेल है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे विचार, ये तेल है वो बातें जो तुमने अपने दिमाग में बैठा रखी हैं। जैसे अगर तुम पॉजिटिव और सकारात्मक बातों का तेल अपने दिमाग में पैदा कर लो, पूरे थॉट्स जो पॉजिटिव हैं उनका तेल अपने दिमाग में पैदा कर लो, तो तुम्हारे ज्ञान की रोशनी को जलने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारे ज्ञान को प्रकाशित होने से कोई नहीं रोक सकता। तो पिताजी की ये बातें सुनकर आज हनी हैरान हो जाता है कि वाकई में बात तो सही है, अगर मैं इस तेल की तरह अपने दिमाग में अच्छे विचार भर लूं, उसके बाद इस रोशनी, छोटी सी रोशनी की तरह जो मेरी बातें हैं, जो मेरा व्यवहार है, वो ज्ञान भरा हो जाएगा, जिससे मैं लोगों की ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाऊंगा, लोगों के किंतु परंतु मुझे परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आज इस बात को समझकर वो बहुत खुश है और वो खुद ब खुद कहता है कि पिताजी बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं अपने आप को छोटा समझता था, लेकिन ये दिया भी तो छोटा है, लेकिन लाखों करोड़ों मील का अंधेरा इसके जो रोशनी के क्षेत्र में दाखिल भी नहीं हो सकता, ये उसे अलाउ ही नहीं करता। इसी प्रकार से आज मैं प्रण करता हूँ कि चाहे मैं छोटा हूँ उम्र में, लेकिन आज के बाद किसी की भी नकारात्मक बातें और किसी की भी किंतु परंतु और किसी की भी ऑब्जेक्शंस को मैं अपनी ज़िंदगी में अलाउ ही नहीं करूँगा, उनको मैं ग्रहण ही नहीं करूँगा। तो मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में सक्षम हो जाऊँगा, मैं ताकतवर हो जाऊँगा और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूँगा। पिताजी उसके मुख से ये उत्साहपूर्वक बातें सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। आज दोनों बाप और बेटा घर की तरफ चल रहे हैं। पिताजी को सुकून है कि हनी आज इस रहस्य को जान पाया है और हनी फूला नहीं समा रहा कि मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं जिन्होंने मुझे आज एक दिए की उदाहरण के साथ बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया है। अब दोस्तों हनी का तो मन परिवर्तन हो गया, हनी को तो समझ में आ गया। क्या आप लोग समझ पाए हो?
हम भी तो जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, छोटी सी बात हमारे जीवन को डिस्टर्ब करके रख देती है। तो हम भी अपने आप को उस दिए की तरह समझें और उसकी छोटी सी रोशनी को अपने ज्ञान की तरह समझें, और इस ज्ञान को जलाने वाला, प्रकाशित करने वाला है वो दिए वाला तेल, वो होते हैं हमारे विचार। अगर हम अपने विचारों को पॉजिटिव, सकारात्मक बनाए रखते हैं तो हमारा जो ज्ञान है वो हमेशा सही दिशा में चलता है। तो आपके विचारों से जो ज्ञान प्रकट होगा, इस ज्ञान की रोशनी में अंधकार चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, नेगेटिविटी, नकारात्मक भावनाएं जितनी मर्जी बड़ी हों, ऑब्जेक्शंस किंतु परंतु जितने मर्जी बड़े हों, वो आपके ज्ञान के प्रकाश के दायरे में दाखिल भी नहीं हो पाएंगी और आप हमेशा खुश रहोगे। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इन कहानियों से किसी का जीवन रोशन हो तो इन कहानी को अपने दोस्तों, मित्रों, नियर एंड डियर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो अंत में दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जब आपको बातें अच्छी लगेंगी तो आप इसे सब्सक्राइब कर ही लोगे, क्योंकि मैं इस पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक, उत्साहपूर्वक और इम्पॉर्टेंट कहानियाँ लेकर समय समय पर आता रहता हूँ। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।